इंटरव्यूज़ होते रहते हैं, आप जॉब के लिए जाते हैं, आप किसी जगह सिलेक्शन के लिए जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए जो आपको पहली टिप मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो वो आपकी शख्सियत को एक्सप्लोर करने के लिए बैठा है, उसने देखना है कि आप, उसने असेस करना है। तो एक तो आप असेसमेंट के लिहाज से जो आपकी प्रिपरेशन है जो है वही आपने डिलीवर करनी है, उसको जब आप एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक्स अरेंजमेंट्स के ज़रिए प्रिपेयर करते हैं तो वो एक आर्टिफिशियल सी चीज़ लगती है और यही चीज़ गैप डाल देती है। तो आपने यूँ समझना है कि आप जब इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, जो क्वेश्चन कर रहा हो, जो टिप नंबर वन वो ये है कि जो क्वेश्चन कर रहा हो आपने उसी की तरफ देख के उसी को जवाब देना है, सारों की तरफ नहीं देखना है। वो सवाल एक करे, जवाब आप दूसरे की तरफ दे रहे हो तो वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझेगा। एक तो टिप नंबर वन ये है कि आप उसको जो आपसे क्वेश्चन करे आप उसी की तरफ देखें। टिप नंबर टू ये है कि जब आप एंटर हों तो आप उनके मेहमान हैं, वो आपसे कहेंगे बैठने के लिए, एक डिसेंसी है आपसे कहेंगे बैठने के लिए, आप बैठें। तो जो फ्रंट पर बंदा है जिसने आपको आपसे क्वेश्चन करने हैं, आप उनको हेड कह लें, दो तीन इस तरफ होंगे, मे भी एक या दो हों, लेकिन एक सेंट्रल पर्सनैलिटी होती है जिसने आपसे क्वेश्चंस करने होते हैं, इंटरव्यू करना होता है। तो आपने उसकी तरफ बैठना है और हाथ का जो अंदाज़ हो वो आपका यूँ हो, ये आप मेरे हाथ को देख रहे हो, आप हाथ का अंदाज़ ऐसे रखें और बिल्कुल एक स्माइलिंग फेस के साथ आप उसके साथ आमने सामने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। अब वो चीज़ जो आप रूम में जाते हैं, आपने किसी और तरफ देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उन लोगों से मिलने आए हैं, ना कि आप किसी और से मिलने आए हैं। तो आप जिससे मिलने हैं आप उसी की तरफ देखते जाएँ, अगर वो क्वेश्चन करता जाए तो जवाब देते जाएँ, जो आता है वो ठीक है, जो नहीं आता उस पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है।